हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास एक पुराना हॉर्न है और इसे हम मल्टीमीटर के जरिए चेक करेंगे। पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो तार है ब्लैक वाली और रेड वाली दोनों को दोनों पॉइंट में हॉर्न के पॉइंट में लगाएंगे और चेक करेंगे इसमें कोई रीडिंग आ रही है या बीप की आवाज़ आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई बीप की आवाज़ भी नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, तो दोस्तों ये हॉर्न ख़राब हो चुका है। मल्टीमीटर से चेक करने में कुछ ही सेकंडों में पता चल जाता है सही है या ख़राब है, तो अब हमें एक नया हॉर्न चाहिए। जब नया हॉर्न लगा के ही चेक हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो नया हॉर्न आ चुका है दोस्तों, अब हमें फिर से सेम टू सेम वही करना है। मल्टीमीटर वहीं सेट रहेगा, बस दोनों तारों को आपस में पॉइंट पर टच करना है। तो देखो तो पॉइंट में टच करते ही बीप की आवाज़ आने लगी है।